अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग आप सबको। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। और सुबह हो गई है और मेरे मेहंदी का रंग देखिए कितना अच्छा आया माशाल्लाह। थोड़ा सा सामने से ऐसा थोड़ा खाली खाली क्यों लग रहा है पता नहीं, वैसे तो ऐसे अच्छी लग रही है मेहंदी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ना मतलब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना मेहंदी इतना पसंद नहीं है। बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस ये हथेली की थोड़ा सा नीचे रहे तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लगवा ली। पहले तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मन नहीं करता कि इतनी दूर दूर तक मेहंदी लगाओ इतना बड़ा हाथ भर भर के। और अभी सुबह हो गई है और मैं जो है उठ गई हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं, बच्चे और ये भी सो रहे हैं, और मैंने बर्तन वर्तन धुल दिए हैं और मैं जा रही हूँ अभी अपने लिए चाय बनाने। तो सबसे पहले मैंने दूध भी नहीं निकाली बाहर से, मैंने सोची कि नहीं पहले मैं घर के अंदर का काम कर लेती हूँ, फिर जो है बाद में दूध निकालेंगे बाहर से। तो दूध वाले ने आज दूध ही नहीं रखे गए, क्या बात है, दरवाजे में दूध है ही नहीं। तो चलो देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, बाहर का नज़ारा। मैं यहाँ पर खड़ी थी बाहर, तो थोड़ा सा हमारे बाजू के भाभी निकल गए थे बाहर, तो मैं उनसे बात करने लगी। वैसे भी थोड़ा आजकल क्या होता है कि जल्दी हम लोग की बात हो नहीं पाती है, जल्दी मैं भी अपने घर में से बाहर नहीं निकलती हूँ ना वो कोई निकलते हैं जल्दी, तो जल्दी बातचीत हो नहीं पाती है। बाकी बाहर निकलेंगे तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मुझे अपने फेस पर ब्लीच भी करना है, क्योंकि मेरे जो ये हेयर है बहुत ज़्यादा फिर से ब्लैक होने लगे, थोड़ा सा ब्लीच करूँगी तो अच्छा लगेगा। अभी दूध नहीं रखे भाई साहब ने, देखते हैं अब ऐसे ही। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है हमारा होगा मेकअप शूट व्लॉग, ये मेकअप शूट का व्लॉग है। और क्या है, काफ़ी दिनों से मैं जब गांव में थी तभी से मतलब वो मुझे बोल रहे थे कि मैं आपका मेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन मैं गांव में थी और उस टाइम पे टाइम भी नहीं था मेरे पास। और जब मैं वहाँ से आई तो उसके बाद रमज़ान स्टार्ट थे, तो रमज़ान में तो फिर मतलब ये सब कर भी नहीं सकते और टाइम भी नहीं था उतना बिल्कुल भी। तो अब रमज़ान भी ख़त्म हो गए हैं और जैसे अब हम नॉर्मल डेज में आ गए हैं अपने, तो उसकी वजह से मैंने फिर अब उनको बोला कि ठीक है अभी आप आ जाओ, अभी मैं फ्री हूँ और ऐसे कोई अभी बिज़ी नहीं हूँ ज़्यादा, तो आप आ सकते हो। तो एक्चुअली वो मुझे बुला रहे थे उधर मेकअप के लिए, लेकिन क्या है कि मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं जा पाऊँगी कहीं पे भी फ़िलहाल कुछ दिन, 8-15 दिन, क्योंकि अभी जैसे कि गांव से आने के बाद भी अभी तक थोड़ा थोड़ा सेट हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और इसकी वजह से तो देखेंगे वही अभी फ़िलहाल आने वाले हैं। मैं तो अभी नहीं जाऊँगी कहीं पर फ़िलहाल, थोड़ा सा अभी जब तक घर का सब होता नहीं है सब सही से तब तक तो मैं कहीं बाहर निकल भी नहीं सकती। और फिर क्या हो रहा था कि मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला था, मुझे यहाँ से जाने में टाइम लगेगा, फिर मेकअप, फिर वापस आने में, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि इससे अच्छा कि आप ही आ जाओ, एक काम करो फ़िलहाल के लिए, बाद में देखेंगे अगर दोबारा फिर करना रहेगा या फिर तो फिर उसके बाद कुछ अलग सोचेंगे, मैं आ जाऊँगी। तो उसके लिए वही आने वाले हैं आज। चलिए फिर फटाफट ये जो कपड़े बच्चे लोग को बोली थी मैंने रात में घड़ी करके रखने, तो बच्चे लोग ने बस 2-4 कपड़े घड़ी किए अपने खुद के और बाकी की जो है वैसे ही छोड़ दिए। तो अभी मेरे को वो सब घड़ी करके रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को क्या होता है पता है, जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना जब तक मेरे को सुकून नहीं लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उठी हूँ या मुझे कुछ, तो मुझे चाय की तलब हो रही है। मैं क्या करती हूँ अभी थोड़ी सी काली चाय बना के पी लेती हूँ और ये सब सामान सही से रख देती हूँ, जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, 4-5 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे, और उसके बाद ऐसा होगा कि जो लुक है मेकअप लुक उसका भी फिर ब्लॉग शूट करना है मुझे, फिर एक ब्लॉग दूसरा जो है वो मैंने एडिट रात में ही करके अपलोड भी कर दिया जो कल वाला ब्लॉग था, और उसको भी बस मुझे थोड़ा सा उसमें थंबनेल और टाइटल लगाना है। चलिए फिर मैं सब फटाफट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा देर में। अभी मैं करने वाली हूँ ये फ्रेम का गोल्डन ब्लीच, तो यहाँ पर आज मैं अल्ट्रा गोल्डन ब्लीच करने वाली हूँ, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाद में लगाना है और ये पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है, और ये जो है इसको इसके अंदर मिक्स करके इसको अप्लाई करना है फेस पर। तो चलिए फिर फटाफट ब्लीच करते हैं। वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? तो मेरा मेकअप जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, बट अभी ये सब मैंने क्या बोलते हो सब पहन के बैठ गई हूँ अभी से,
और अभी कुछ टाइम में हुमेरा जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो जो है मेकअप अभी शुरू करेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेकअप से पहले थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए। और वहाँ पर ये मेरे हस्बैंड जो है सेटअप कर रहे हैं रिंग लाइट का, और बच्चे लोग इधर बैठे हैं। तो चलिए फिर मेकअप शुरू करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे मेकअप। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुरू किया जाए? चल, मेरे आँख में लगने वाली है लेंस। बाप रे, कुछ होएगा तो नहीं ना? इन्होंने एक बार मेरे को डरा दिए थे मालूम, बोले आँख ही बाहर आ जाती है लेंस लगाने के बाद। तब से मैंने कान पकड़ी, मैं बोली नहीं रे बाबा, मैं कभी लेंस नहीं लगाऊंगी। कितने बार मैं मेकअप की दुकान पर जाती हूँ ना, पूछती हूँ लेंस, फिर बाद में वो चीज़ें ना मुझे याद आती है ना, फिर मैं ना नहीं 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 मुझे नहीं लगा रहा है, लेकिन आज लग रही है लेंस। एक मिनट ना, तुम कैमरा पकड़ो। बस आँख ही बड़ी खोल के रखो, आँख ही अपना बंद मत करो। अच्छा ठीक है, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा। कुछ भी नहीं है, उड़ गई। वॉश कर लेती हूँ। वॉश कर लो, पर मेरे डर ने लेंस गिरा दी। तो अभी हो गया हमारा मेकअप स्टार्ट, और यहाँ पर जो है मेरी जो लेंस है वो लग नहीं रही थी, या मैं लगाने नहीं दे रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ में। और मैंने काफ़ी टाइम तक इनको बहुत सताया हूँ, मेरा जी को लेंस को लगाने दे नहीं रही थी मैं। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी ना इसीलिए। हाँ, पहला फर्स्ट टाइम हो रहा था ना, तो लेंस लगाने तो जाते ही कभी लगा ही नहीं लेंस। हाँ, तो उसकी वजह से नहीं, उसे लेंस लगाने के लिए आँख को खुली रखना पड़ता है, और तू आँख को बंद ही कर रही थी, बार बार बंद कर रही, बार बार बंद कर रही, उनको वो इतना परेशान हो गए। एक बच्चे के जैसा, छोटे बच्चे के जैसा मैं बार बार आँख बंद कर दी था। वो बच्चे के आँख में काजल लगा देना, वो बोल रहे थे बार बार, अरे आँख खुली रखो, आँख खुली रखो, आँख बंद कर। और मैं आँख ही बंद कर रही थी, मैंने लेंस लगाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सताई उनको। मुझे तकलीफ ये हो रही है कि आँख से आंसू बह रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, और थोड़ी सी जलन हो रही है, फर्स्ट टाइम है ना इसके लिए। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो अब हो चुका है मेरा मेकअप स्टार्ट। तो यहाँ पर जो मेरी आईब्रोज है उसको मतलब फिल कर रहे हैं वो, और इधर वाली आईब्रोज फिल हो चुकी है, इधर वाली कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर मेरी बड़बड़ भी चालू थी, बातें भी चालू थी, और काफ़ी टाइम तक मेरी आईज़ में जो है ना वो मतलब जलन हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लेंस लगाने में आई थी ना इसकी वजह से। और मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा नागिन वाला लुक दिखा रही थी कि मैं नागिन बनने वाली हूँ अभी। अभी पहले इसको चुड़ैल बनाएंगे, बाद में फिर इसको हीरोइन बनाएंगे। हाँ, अभी देखते जाइए आप लोग आगे आगे। और आप लोगों को क्या है ना, इससे थोड़ा कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, मेकअप थोड़ा बहुत आप सीखोगे भी, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है मेकअप। और क्या होता है कि हर चीज़ का अलग अलग होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी उन्होंने ऐसे किया है तो दोबारा भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क होता है, डिफरेंस होता ही है। लेकिन अभी मेकअप माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। अब धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको पता चलेगा। और मैं तो इतनी ज़्यादा भूतनी लगने वाली हूँ अभी यहाँ पर देखने के बाद, मैं तो खुद अपने आप को आँखें बन गई, आँखें अच्छा लग रहा, आँख खुली है। हाँ, आँख खुली, वाइट वाइट हो गई आँखें। तो ये सारा मेकअप का सामान इतना मेरे फेस पे अभी थूकने वाला था। इतना सारा, ये देखिए कितनी बड़ी चुड़ैल बन गई हूँ मैं। और कितना बेकार लग रहा ना, है ना, डेंजर लग रही, बाप रे, बेकार नहीं, डरावना लग रहा है, डरावनी लग रही हूँ मैं। और मैं खुद यहाँ पर, मुझे खुद हंसी आ रही थी, मैं मिरर बिल्कुल मेरे सामने ही रखा हुआ था ना, और यहाँ पर एक फ़ोन में इधर भी शूट हो रहा था, उधर वाले फ़ोन में ये भी शूट कर रहे थे, दो दो फ़ोन में शूट हो रहा था, सामने ही मिरर है जस्ट, तो मैं मिरर में भी देख रही थी। हाथ में कटोरा आ गया है, बिग कलर का कलर का कटोरा आ गया है, अभी लगेगा आइस पे बारी 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 बारी। तो ये जो आइस के नीचे जो टेप लगा है ना, तो ये तो सबको पता ही है क्यों लगाते हैं, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ मैं, कि जब आई शेडो लगाते हैं ना तो वो शेप आना चाहिए उसका बहुत अच्छी तरीके से निकल के, इसके लिए फैलना नहीं चाहिए इधर उधर, इसके लिए इसको लगाते हैं टेप को। लेकिन उसको लगाने के बाद ऐसा लग रहा था मुझे, जैसे कि किसी ने मुझे दो तरफ से ऐसे इधर से पकड़ के रखे हैं,
तो बाद में निकालने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था थोड़ा। लेकिन अभी मेरे इस फेस पे लेयर बाय लेयर सीमेंट रीति की थप्पी अभी चढ़ने वाली है, तो धीरे धीरे देखते हैं आगे और क्या क्या थोपा जाएगा मेरे फेस पे, है कि नहीं जी। अभी तो लग गया है शेडो और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, है कि नहीं, इंजॉय लग रहा था मुझे तो। लेकिन बेचारे कब से इधर उधर उनके तो पैर दर्द दे रहे होंगे। 2 घंटा लग गया उनको खड़े खड़े, 2 घंटा हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया मेकअप को 2-2.5 घंटा खड़े थे। हाँ, और काफ़ी टाइम से मुझे मतलब इनके और रिक्वेस्ट आ रही थी मेकअप करने के लिए, इसलिए फिर अभी मैंने अपना भी टाइम निकाली और उनको भी टाइम था, तो उसकी वजह से वो आके मेरा मेकअप कर दिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए, इसीलिए मैंने कल मेहंदी भी लगाई थी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने सही गेस्ट किया है, थैंक यू सो मच। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। मैं सोच रही थी कि अगर कोई एक बताएगा तो मैं उनका कमेंट पिन करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि इतने सारे लोगों ने बताया, अब कमेंट में एक ही पिन होता है, अब किसको पिन करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो किसी को भी नहीं करती हूँ, अब छोड़ो जाने दो। तो सही बोले, सही गेस्ट करें। हथेली के नीचे दिल बना हुआ है राइट हैंड पे और वहाँ पर इनका और मेरा नाम का वर्ड है एक एक। मगर आप लोग मुझे रानी नाम से नहीं जानते हो, आफरीन नाम से जानते हो, तो आप लोगों ने कुछ बता ही नहीं कि आपने आर के क्यों लिखा है। ऐसे घर में मैं रानी नाम से जानी जाती हूँ और यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पे हर जगह मेरा नाम आफरीन है, ऐसा है। तो धीरे धीरे बातों में मेरा कितना सारा मेकअप हो गया है यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। और ये वापस से कंसीलर लगा के कॉन्टोरिंग हो रही है यहाँ पर आइज़ पर। अच्छा लग रहा, पत्थर की आँख लग रही है ना, पत्थर की आँख लग रही ना। फिर मेरी ना कमर बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, पीठ बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी ये चेयर पर बैठे बैठे, तो फिर मैंने तकिया लगा लिया अपने पीठ के पीछे। वो लगाने के बाद भी मुझे चैन नहीं आ रहा था, फिर मैंने बाद में मुंडी थोड़ी सी टेढ़ी कर दी थी, फिर बाद में उसमें भी मुझे सुकून नहीं लग रहा था, फिर से सीधी हो गई। और क्या है, घर में स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने ज़्यादा चेयर वगैरह रखती नहीं हूँ घर में, और ये है इस पर कोई ज़्यादा बैठता नहीं है। ब्लैक डॉट लगा दी आँख पे, ऐसा आँख बनी हुई है, आँख बन जाएगी। ब्लैक डॉट लगा देंगे तो ना, बराबर सही बोले। अरे ये वीडियो में ना आप लोग सोचोगे कि मैं इस तरह से वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेकअप का व्लॉग जो है ना वो 1.5 घंटे तक का पूरा शूट हुआ था और मैं पूरा प्रॉपर जो है ना व्लॉग शूट की हूँ मैंने, और मैं पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसके लिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है और जो भी हम लोग बातें कर रहे थे वो सारी फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से सारी बातें ऐसे हो गई। हाँ सही बोले इन्होंने, तो इसके लिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, कभी कभी करना पड़ता है कि नहीं, और आप लोगों को कुछ सीखने भी मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल जाएगा, है कि नहीं, सही बोली ना। जैसे कि जिसको कोई घर पे मेकअप करना है तो देख के कर सकता है, देख के कर सकते हो आप, लेकिन देखो जो प्रोफेशनल होते हैं जो, हाँ वो तो अभी जो ऐसा इन्होंने मेरा मेकअप, इमरजेंसी हाँ ओनली इमरजेंसी में आप कर सकते हो, ऐसे तो इतना तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन जैसे इन्होंने मेरा पूरा परफेक्ट किया है। नहीं स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट होता है, हाँ स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की वहाँ पर भी मस्ती चल रही थी वीडियो में भी, और अभी भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो अभी मेरे आंखों पर लग गया मस्कारा, इसके बाद लग गया आईलाइनर और अब लग रही है नकली पलकें, और असली तो मेरी दिख नहीं रही थी। आज मुझे पता चला कि मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है, वही मैं इनसे बोल रही थी कि हुमेरा जी मुझसे बोल रही थी कि आपकी आंखें, वो शायद मेरी आंखें नहीं बोल रही थी, वो मेरी ये जो पलकें होती है ना पलकें बोल रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि आज मेरे को पता चला है मेरी आंखें छोटी है, लेकिन पलकें वो बोल रही थी कि छोटी है। तो फिर नकली लैशेज तो वैसे भी लगाते ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सही से लग नहीं रहा था। एक्चुअली मेरी आँखों पर है ना, जैसे मैं कभी लगाती नहीं हूँ ना तो जल्दी लगता नहीं है मेरी आँखों में, ऐसा होता है आई लैशेज वगैरह। और आप लोगों ने तो देखा मैंने कितना ज़्यादा उनको सताई हूँ लेंस लगाने के लिए। वो एक मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, थोड़ा सा खुली रखो आफरीन आँख, थोड़ा सा खुली रखो, बंद मत करो। मेरे को ऐसा लग रहा था बच्चे को जब काजल पिलाते ना छोटे बच्चे को, तो डरते ना बना, अरे थोड़ा 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 खुली रखो, ऐसा हो रहा था मेरे साथ में। तो कोई बात नहीं, और लेकिन फाइनली लेंस लग तो गई, और बाद में लगने के बाद थोड़ा देर बहुत आँख जली उसके बाद, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने लेंस पहनी हो, बिल्कुल भी नहीं लगा। और ये फिर से मेकअप के प्रोडक्ट के पास आ गया हमारा कैमरा, तो यहाँ पर आई मेकअप हो रहा है शायद से कम्प्लीट, नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ है,
हाँ उन्होंने कहा था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है, तो आई मेकअप अभी और बाकी है। ये मत समझना कि आई मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है, तो ये जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल वगैरह है और जहाँ पर मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे अपर लिप्स पे और चिन के पास, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर कंसीलर से कंसील कर दिया इसको। और यहाँ पर इतना महंगा और इतना वज़नदार लहंगा पहन कर मैं बैठी हूँ। चलो बैठने में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब मैं पहन के इसको खड़ी हो गई थी ना, बाप रे बाप, ऐसे लगा था मैं कितना ज़्यादा वज़न लेके खड़ी हूँ। तो काफ़ी माशाल्लाह लुक अच्छा तो आया था, आप लोग बताना। लेकिन खुद की तारीफ़ मैं खुद ही करती हूँ, वैसे खुद की तारीफ़ खुद कर लेनी चाहिए, कोई करे या ना करे उससे पहले मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिख रही हूँ अभी, ऐसा लग रहा है अफ्रीका के मैं बंदर होते अभी कुछ टाइम पहले खुद की तारीफ कर रही थी, अभी कुछ टाइम पहले अपने आप को ऐसे बोल रही हूँ। तो देखो भाई, जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है मुझे, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, है कि नहीं? तो वैसे ही आप अफ्रीका के बंदर है, ऐसा कुछ भी मत बोलो। और वीडियो देख के बोल रहा मैं। अच्छा हाँ, वो अभी फ़िलहाल लग रही हो ना फिलहाल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे फाउंडेशन हैं अलग अलग, और ये सबको मिक्स करके अभी मेरे फेस पर अप्लाई किया जाएगा, और आप लोग देखना अभी कि कैसा लुक आता है इसका। अभी मैं बनने वाली हूँ बहुत महान चुड़ैल पहले येलो वाली चुड़ैल बन गई थी, अभी वाइट वाली भूतनी बनने वाली हूँ। और ये देखकर तो मेरे बच्चे डर गए थे थोड़ा, बोले ये मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या लगा रही है मम्मी अपने फेस पे। तो यहाँ पर अभी इसको जो है अच्छी तरह से ब्लेंड किया जा रहा है, और मैंने देखा कि इसको ब्लेंड करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस तरह से हम लोग करते हैं ना उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, मतलब इसको एकदम परफेक्ट तरीके से इन्होंने ब्लेंड किया अच्छी तरीके से। और देखो, सामान तो हर किसी के पास होता है, मेरे पास पूरा सामान है ए टू जेड, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और एक तरीका होता है मेकअप करने का, और वो मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकते हैं, है कि नहीं? जो सीखे हैं, तो वही मैं कि इन्होंने मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से किए कर रहे थे। ये ब्लेंडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, स्पेशली ज़्यादा आईज़ की ब्लेंडिंग और फेस की जो फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया। तो ये देख सकते हैं, कोर्स किया ना, कोर्स भी किया इनका, स्टूडियो भी है ना, ऐसा है। तो ये देखिए, अभी वाइट वाली भूतनी बन के रेडी हो गई है, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। आई मेकअप तो हो चुका है, सेम ऐसा ही मेकअप मैंने करी थी ना एक बार, यहाँ पर किसी की शादी थी तो मैंने शादी के लिए मैंने ऐसा वाला मेकअप करी थी, पर इतना परफेक्ट नहीं हुआ था वो, फिर भी ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन होता है ना थोड़ा परफेक्ट नहीं था उतना, लेकिन अपने को समझ में आता है ना कि अपन भी थोड़ा थोड़ा ऐसे किए थे और उसमें अपना क्या चीज़ कम थी क्या ज़्यादा थी, ऐसा है। तो बहुत सारी लेयर हो रही है एक के बाद एक। अब यहाँ पर फिर से कॉम्पैक्ट लगाया जा रहा है, और चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी, सारे प्रोडक्ट जो है ब्रांडेड थे, और ब्रश भी बहुत अच्छे थे, सारे ब्रांडेड थे ब्रशेस भी, और काफ़ी अच्छा लुक भी इन्होंने क्रिएट किया था मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी वगैरह या ब्राइडल लुक, ब्राइडल मेकअप के लिए काफ़ी बेस्ट है, है कि नहीं? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है। तो देखो, जो मुझे सही लगता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है कि नहीं? और कभी कुछ गलत नहीं शेयर कर सकती मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो मुझे अगर सही लग रहा है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, और आप लोग देखिए, और देखने के बाद आप लोग जानिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी कॉन्टोर हो रहा है, और मेरी मस्ती चालू थी मेकअप करते करते, मैं आज ज़्यादा ही शरारती हो गई थी थोड़ी मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही शरारत कर रही थी आज, है कि नहीं? क्या हाँ बोल रहे तुम भी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुमको। मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ब्लश हो रहा है, तो कॉन्टोरिंग के टाइम पर ये मेरा जो है ना फोटो खींच रहे थे, बहुत ही गंदा वाला, मतलब ऐसे मैं पिकाचू की तरह मुंह बंद करके बैठी थी अंदर, तो मैंने फटाक से हटा दी, तो वो ऊपर नीचे हो गया था कॉन्टोर, बाद में फिर उन्होंने सही कर दिया, ऐसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़रूरी होता है स्टेप बाय स्टेप एकदम करना मेकअप, बार बार लूज़ पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैं इतना नहीं यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर, लेकिन अब समझ में आता है ना, मतलब मेकअप आर्टिस्ट जब इस्तेमाल करते हैं बार बार वो चीज़। तो यहाँ पर अभी मैं हाइलाइटर में डुबकी लगा रही हूँ जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है,
तो क्या बोलना चाहेंगे तुम, कैसी लग रही मैं अभी फिलहाल? अभी चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, इतनी डेंजर दिख रही हूँ मैं? ऐसा मत बोलो। क्या हुआ, तुम्हारा दोबारा शादी करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? किससे? मेरे से। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अच्छा थोड़ा देर, अच्छा और मेकअप होने के बाद? अच्छा तो हमारी ना मेकअप करते करते ये भी बातें हो रही थी कि शादी को कितने साल हो गए, क्या हो गए, और शादी में कैसा मेकअप हुआ था वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हो रही थी। और उसमें एक ये भी बात थी कि ये आए थे किसी और को देखने के लिए, लेकिन पसंद मुझे किया और शादी मुझसे हो गई, फिर इनकी ऐसा हो गया। बोलते हैं जो किस्मत में होता है वही होता है कि नहीं। तो चलिए अभी फिर से आए मेकअप स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था आइस, तो अभी मेरे आइज़ में जो है ना वाइट कलर का काजल लग रहा है, तो जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ आप लोगों को तो पता है, तो यहाँ पर दूसरी आँख में भी अभी लग रहा है वाइट कलर का काजल। वाइट कलर के काजल से कुछ ज़्यादा ही मेरी आँखें बड़ी बड़ी नज़र आती है मुझे, है कि नहीं? कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती है ना वाइट वाले काजल से। लेंस लगाने के बाद तो मेरे को लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल भी मैं हूँ। मेकअप में तो ऐसा लगता है मुझे कि हाँ मैं हूँ चलो, लेकिन लेंस पहनने के बाद बिल्कुल मुझे अभी जब मैं खुद को देख रही हूँ ना अभी फ़िलहाल भी एडिट करने के टाइम पर, तभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैं हूँ ब्लॉग के अंदर। हाँ सच्ची में मेरे को नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा मेकअप धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, और ये ब्लॉग को जो है ना मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रेंडर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छी क्वालिटी में इस ब्लॉग को देखिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो नज़र आए, क्योंकि इसको अपलोड करने में और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है मुझे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छी क्वालिटी में देखिएगा, मैं इसको 4K में अपलोड करूँगी, अगर आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है तो आप 1080 में भी देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, 480p में, 420 है ना, 480 हाँ उसमें मत देखिएगा, उसमें आप लोगों को इतना क्लियर नहीं नज़र आएगा, अच्छे से नज़र नहीं आएगा, इसमें आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर नज़र आएगा, ऐसा है। तो ये देखिए मेकअप जो है, लिपस्टिक ऐसा लग रहा है जैसे मैं खाने जा रही हूँ लिपस्टिक। मुझे होठ पे लगाने के लिए बोल रहे थे और मैं तो खाने के लिए रेडी हो गई थी। तेरे कोलगेट में नमक है? अच्छा मेरे कोलगेट में नमक है, इसलिए चमक रहा है, कोयला भी है। तो मैं अब बिल्कुल बन गई हूँ बाल खुल के चुड़ैल, अब मेरा होने वाला है हेयर स्टाइल। और एक्चुअली में क्या हो गया पता है क्या, ये मेरा जी जो है बहुत ज़्यादा दूर से आए थे, तो एक्चुअली में ये अपना जो है हेयर की जितनी भी मशीनें थी हेयर लुक करने की, वो गलती से वो वहाँ पर छूट गए था, इसकी वजह से हेयर में ज़्यादा हम लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया था मेकअप मेरा, और हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। आप लोग देखिएगा अभी यहाँ पर हेयर स्टाइल हो रहा है किस तरह से हो रहा है कि नहीं, क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। इनके सामान नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने उसको एडजस्ट किए, एडजस्ट करके बहुत अच्छा बन गया। और हमारे भाई जो है इनके हस्बैंड भी आए थे साथ में, तो वो थोड़ा सा बाहर बैठे थे क्योंकि यहाँ पर मेकअप शूट हो रहा था, और आप लोगों को तो पता है मेरा पलंग इतना बड़ा है 6x6 का, और यहाँ पर हम लोग मेकअप भी कर रहे थे शूट भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो बाहर बैठे थे। बाहर इन्होंने उनको कूलर का बंदोबस्त करके दे दिए थे, कूलर लगा हुआ है बाहर, वो कुर्सी में बैठे थे आराम से, और फिर मेकअप होने के बाद फिर वो लोग चले गए शाम में 8:30 के टाइम पर, कहना है कि नहीं। तो मेरा तो ये फर्स्ट था मेकअप लुक, तो मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे, इतना मेहनत करती हूँ मैं व्लॉग के लिए, और आप लोग देख रही हूँ मैं कि आजकल आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और आप लोगों को तो पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चैनल के लेकर के क्या हो रहा है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग इतने लोग वीडियोस देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट इतने नहीं करते हो, और प्लस व्यूज़ इतने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई। और बहुत सारे लोगों के मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग है ना बेल आइकन को फिर से एक बार प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, तब जाके आपको मेरे वीडियो का ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है ना कभी कभी सजेशन नहीं देता है, सजेस्ट नहीं करता है वीडियो, फिर क्या होता है कि वो वीडियो नोटिफिकेशन कभी नहीं आता है तो आप लोगों को देखने में नहीं आती है। तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को फिर से ऑल पे प्रेस कीजिए अलग से, तब जाके आप लोगों को मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहले बिंदिया लगा दिए थे, बिंदिया नहीं सूट नहीं हो रही थी,
इसके ऊपर क्राउन के ऊपर। हाँ क्राउन के ऊपर। तो फिर बिंदिया निकाल दी, बिंदिया निकाल के फिर क्राउन लगा दिए सिर्फ। तो अभी बस फाइनल लुक रेडी होने वाला है, धीरे धीरे आप लोगों को आगे पता चलेगा। और लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और फिर से अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द और आगे जाऊँगी। आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो, है कि नहीं? सही बात है। और क्योंकि इतना मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए तो करती हूँ, है कि नहीं? ब्लॉग के लिए करती हूँ। समुंदर भरता है, वैसे समुंदर हमारा भी, हमारा घड़ा भर दो। हाँ समुंदर की तो चाह नहीं है, बस घड़ा भर दो, हमारा मटका भर दो। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी धीरे धीरे। आप लोग करोगे मुझे पता है, आप लोग ऐसे नहीं करोगे आपके आफरीन के साथ, है कि नहीं? अभी हमारे पास समझो एक गिलास पानी है, एक गिलास है वो, नहीं तो फिर ऐसा होगा मटका भर जाएगा तो बोलेंगे अभी रंजन भी भर दो। नहीं वो खुद ही भर देंगे, वो खुद ही बोलेंगे ये हमारे हमारे पास ही ले लो। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? तो यहाँ पर जो है मेरे बालों में कलर किया जा रहा था, हाईलाइट्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये क्या हो गया, कलर करते करते मेरे मांग में भी कलर चला गया था थोड़ा सा, तो इसको फिर बाद में साफ़ कर दिए हम लोग ने, क्योंकि सिंदूर जैसा दिख रहा था, सिंदूर जैसा लग रहा था वो, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। मतलब वो रेड भी कलर दिख रहा था और वो सूट नहीं कर रहा था, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो उसको हटा दिए। तो ये देखिए अभी फाइनल लुक जो है वो रेडी होने वाला है। तो चलिए आप लोग रेडी है देखने के लिए, है कि नहीं? रेडी है, सब रेडी है, तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक कैसे निकल कर आया है। तो ये है हुमेरा और इन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा मेकअप किया है, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ये नया लुक कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने ये जैसे ब्राइडल मेकअप करवाया है और इनकी बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, जब मैं गाँव में थी तब से 2 महीने से, तो इसके लिए फाइनली वो दिन आ गया जब इन्होंने मेरा मेकअप किया और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये लुक। तो अगर आप लोग भी ऐसा लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग इनको मतलब बुला सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं शादी के लिए, ब्राइडल के लिए और मंगनी के लिए। तो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी इंस्टाग्राम की आई डी। और इनकी इंस्टाग्राम की आई डी भी है हुमेरा मेकओवर बाय हुमेरा। तो ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, सिंपल एक नॉर्मली मेकअप है जो इन्होंने मेरा किया, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग बुलाना चाहते हैं तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर बताना कि मैं आज इस नए लुक में कैसी लग रही हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, क्या बोलते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और ये बहुत दूर से आए हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ उनकी मेहनत को। बहुत मेहनत की है इन्होंने, 3 घंटे से लगातार ये खड़े हैं, मैं तो बैठी थी आराम से कुर्सी पे, लेकिन इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और प्रॉपर मुझे तो बड़ा ही इनका फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, अब पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है लेकिन सामने से माशाल्लाह बहुत अच्छा लग पा रहा है। और स्पेशली मुझे ये हेयर भी, फिर भी जैसे कि वो चीज़ें नहीं होते हुए भी इन्होंने उसको मतलब प्रॉपर तरीके से किया, अच्छे से उसको, मतलब जैसे कि जो चीज़ें नहीं थी इनके पास, ये भूल चुकी थी आते आते जो भी बात है, तो फिर भी इन्होंने मतलब ऐसे नहीं कि अरे ये नहीं अब मैं कैसे करूँगी, वहाँ पर भी इन्होंने मतलब अपना काम सब अच्छे से किया है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग इनको ज़रूर ऑर्डर देना कुछ भी रहेगा तो, आप अगर आपके घर में कोई ब्राइडल वगैरह रहेंगे तो इनसे कांटेक्ट ज़रूर करना। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ा देर में आप लोगों से, है कि नहीं? क्या बोलते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे तुम? मेरे बच्चे लोग तो मुझे भूत भूत बोल रहे थे, आप बोल रहे कि मम्मी अच्छी लग रही है, तुम कुछ बोलना चाहेंगे? कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं थोड़ा देर में। और
अस्सलाम वालेकुम, ये देखो मैं काला, ये गोरी, मेकअप मेकअप करके भी, हाँ ये सब मेकअप है। तो ऐसा हम दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं, अगर इनको मेकअप करेंगे अभी तो ये भी और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो माशाल्लाह हुमैरा ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप किया है। और आप लोग सच्चे में, मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, जरूर इनको, और ये ना मतलब कैसा है इंगेजमेंट वाला लुक क्रिएट किया है इन्होंने, इंगेजमेंट वगैरह होती है ना उस हिसाब से, तो बड़ा ही अच्छा सिंपल और अच्छा लुक लग रहा है। एकदम कैसा दिख रहा है अभी, होकर जाएगा तो फिर मैं भी अपने अपने रूप में आ जाऊँगी ना। और आज फर्स्ट टाइम मैंने लेंस पहनी है तो देख सकते कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी मैं क्या होती हूँ, ब्लॉग फ्रेंड करेंगे फिर नहीं, हाँ बाद में करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, नहीं जब मेकअप उतर जाएगा ना मेरे असली रूप में आ जाओगे ना तब ब्लॉग को एड करूँगी, है कि नहीं। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा दो चार फोटो क्लिक कर लेती हूँ, फोटो शूट करेंगे अभी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती मिलते हैं थोड़ी देर। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए अपने असली रूप में मैं तो आ गई हूँ अपने असली रूप में, ये तो ऑलरेडी पहले से ही थे अपने असली रूप में। तो बस कैसा लगा आज का लुक आप लोगों को मेरा, और ये नया कुछ ब्लॉग मेरे चैनल पर कुछ नया हुआ आज, और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने बहुत, मुझे भी अच्छा लगा, हाँ इनको भी अच्छा लगा, और मैं फिर से इनकी दुल्हन बनी, इनको बहुत अच्छा लगा। और इस बार थोड़ी अच्छी स्पेशल वाली बनी थी लेकिन ये दूल्हे नहीं बन पाए थे कोई बात नहीं। तो चलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हुमैरा जी का कॉन्टेक्ट नंबर और उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करना और ज़रूर इनसे कांटेक्ट करना जब भी आप लोगों को अगर मेकअप वगैरह करवाना रहेगा। तो कहाँ थे हम, एक्चुअली मुझे फ़ोन आ रहा था अम्मी का, इसके लिए मैंने स्टॉप कर दी थी, है कि नहीं। तो कुछ बोलना चाहेंगे तुम, मैं क्या बोलना चाहूँगा, कैसी लगी आज तुमको, मैं अम्मी का फ़ोन आया वापस बोल रहा अम्मी का, तो ये लोग का शुरू हो गया जब तक मैं बात कर रही थी अम्मी को, ये लोग फिर से शुरू हो गए। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ और आप लोगों से आज के लिए इजाज़त लेना चाहती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और इनके पेज पर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इनका पेज हुमैरा जी का। ओके तो अल्लाह हाफिज़।